हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लूप एनालिसिस। तो लास्ट टाइम हमने देखा था नोडल एनालिसिस। लूप एनालिसिस के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम केसेस में यूज़ किए जाते हैं, और मोस्टली जो आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आपका नोडल एनालिसिस से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन लूप एनालिसिस भी है, जो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में खासकर कंपिटेटिव आरआरबी जेएसएससी जेएमई इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। गेट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लूप के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा, तो वहाँ पे टर्म्स कंडीशंस अलग होते हैं। वहाँ टाइम होता है 65 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 3 घंटे का होता है, तो ज़्यादा ही टाइम मिलता है, पर यहाँ आपके पास टाइम नहीं होता। चलिए, तो लूप एनालिसिस के क्वेश्चन हम एक बार देखते हैं अटेम्प्ट कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो नोडल देखा था, आई होप कि उसी टाइप के पैटर्न का मैं क्वेश्चन देता हूँ, चाहे मेथड नोडल हो या फिर लूप एनालिसिस, आंसर तो सेम आना चाहिए, तो उसी क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए, शायद आई होप कि डाटा वही हो जो मैं ले रहा हूँ, पहले वाला डाटा लिया था उसी डाटा को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लूप एनालिसिस का एक दूसरा नाम है मेस एनालिसिस। ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नोड और लूप, सॉरी बाय यूजिंग लूप। यहाँ पे आपसे केवल पूछता है कि लूप एनालिसिस किस थ्योरम्स को फॉलो करता है, किस रूल को फॉलो करता है। तो लूप एनालिसिस में हम केवीएल का यूज करते हैं, क्लियर, आपसे केवल पूछ लेता है। और नोडल में हमने केसीएल का यूज किया था, नोड पे केसीएल और लूप में केवीएल। ओके, और इससे भी किसी ब्रांच का करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें खास बात ध्यान रखने की क्या होती है कि लूप एनालिसिस या मेस एनालिसिस के अंदर आपको हर लूप का इंडिविजुअल क्लॉक डायरेक्शंस एक ही लेना पड़ता है, या तो क्लॉकवाइज लीजिए सब में करंट का डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, ये ध्यान रखने की बात होती है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे ध्यान क्या रखना होता है, एक क्वेश्चन लेता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इससे ब्रांच करंट ही कैलकुलेट होता है। ये देखिए, शायद लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन आई होप कि यही लिया था, अगर है तो आंसर वही होना चाहिए। ये सपोज दैट हमने लिया 2 ओम का, यहां भी हमने लिया 2 ओम का, फिर 4 ओम का, 10 वोल्ट की बैटरी हमने यहां ले रखा है 10 वोल्ट, और ये सर्किट कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन को हम लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस के थ्रू डन करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं कि क्या है ये रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। तो चलिए, सबसे पहले जब भी आप इस मेथड को फॉलो करते, ध्यान रखना है आपको क्या कि सर्किट में अच्छा एक ही डायरेक्शन में लेना है। अगर लूप आपने क्लॉकवाइज लिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, तो सब जगह क्लॉकवाइज ही लेना है हर लूप में, और एंटी क्लॉक आपको लेना है तो हर जगह एंटी क्लॉक ही लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्लॉकवाइज चलना है तो हर लूप में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हर लूप में एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, इस ब्रांच का करंट पूछा गया था, क्लियर, इसी ब्रांच का करंट पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन में जब हमने नोडल से सॉल्व किया था। अब भी इसी ब्रांच का करंट हम निकालना चाहते हैं, पर अब ये मेथड होगा हमारा लूप एनालिसिस। ओके, तो देखिए, चलिए यहां पे लेते हैं, ये लूप हमारा है फर्स्ट, ये लूप है हमारा सेकेंड, क्लियर। इस ब्रांच में बहने वाला करंट है हमारा I1 और इस ब्रांच में बहने वाला करंट है I2। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे इस मेथड में, क्या ध्यान रखना आपको, जिस ब्रांच में आप रहेंगे उसका अगर केसीएल लगाएंगे, केवीएल यहाँ पे, तो उसकी डोमिनेंसी होती है जो आगे देखने को मिलेगा, और इसमें भी अगर इसमें अपर लूप लगाएंगे तो इसकी डोमिनेंसी होगी। फाइनली ये आंसर क्या देगा, तो आपको इसका रिजल्ट के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कस कर दूं। ये देखें, ये आंसर किस टाइप से पैटर्न पे देगा आपको। अगर कोई ये आई बोलता है तो क्या होगा, देखिए इसी डायरेक्शन में पहले इसको जो सपोर्ट कर रहा वो करंट, यानी ये पूछ रहा आपसे कोई आई क्या होगा, तो इसको सपोर्ट करने वाला पहले मेन करंट क्या, देखिए ये इसको सपोर्ट करेगा I1 तो अपोज करेगा, तो जो सपोर्ट करता है पहले उसको लिख लीजिए, यानी I2 माइनस I1, इसको घटा रहा है तो I का रिजल्ट क्या होगा, I2 माइनस I1, ये आपका मेन रिजल्ट होगा। लेकिन आपको तो ना तो अभी I1 पता है ना ही I2 पता है, तो पहले इसके द्वारा इक्वेशंस बनाएंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखिए, इन लूप फर्स्ट हमने एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन पॉइंट्स को पॉइंट आउट डाउन करते हैं। लिखता हूं स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इन लूप वन अप्लाई अप्लाई
केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज के नियम, एकदम बेसिक तरीके से कर रहा हूं। चलिए अब लूप चलाना शुरू कीजिए। यहां पे इसमें लूप चलाइएगा तो देखिए यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, रेजिस्टेंस में पहले एंट्री करेगा करंट तो पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव। यहां पे भी अगर इस लूप की बात करें तो इस लूप में क्या होगा, पहले डोमिनेंसी इसी की करंट है, इसकी बात करें तो I1 डोमिनेट करेगा तो प्लस यहां पे और माइनस यहां पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको ध्यान रखना है। इस ब्रांच में रहेंगे तो जिधर से करंट उसको डोमिनेंसी मांगेंगे पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, बाकी इस ब्रांच में इधर का करंट भी जाएगा इधर का चलेंगे करंट भी जाएगा। तो चलिए इक्वेशन लिखता हूं। अगर ये चीज यहां से चलना शुरू हुआ है, देखिए यहां से चलना शुरू हुआ है तो निकलने वाले को लेना है या एंट्री वाले को लेना है, ये भी मैटर करता है। अगर आपको निकलने वाला प्लस लेना है तो सबको निकलने वाले का साइन लेना है, और एंट्री करने वाले को लेना है तो सबका एंट्री करने वाला साइन लेना है। चलिए आप लेके चलते हैं निकलने वाला का। तो निकलने वाला में प्लस 20 वोल्ट, फिर यहाँ पे क्या है माइनस। अब देखिए ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को गुना अगर करंट से कर देंगे इस फर्स्ट लूप में करंट से कर देंगे I1 से तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। तो माइनस क्या है 2 × I1। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूं, अब इस ब्रांच में दो करंट जा रहे हैं, एक तो यहाँ से I1 आ रहा है और इधर से I2 जा रहा है, तो इस ब्रांच का क्या होगा, तो इस ब्रांच का क्या लेंगे, पहले तो साइन देखिए निकलने वाला का 2 × क्या लेना है अपने को। यहाँ पे देखिए पहले जो डायरेक्शन लेते हैं जिस ब्रांच की लूप के लिए लेते हैं उसको मेजोरिटी मांगते हैं I1, और बाद में घटा देंगे उससे I2 से। अब ये लूप का अल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो। किसी क्लोज लूप का वोल्टेज का अल्जेब्रिक सम होता है जीरो। एक इक्वेशन तो ये बन गया हमारा, चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। -2I1 +2I2 +20 = 0। चलिए आगे और करते हैं इसको। -4 यानी -4I1 विजिबल है ना, ओके, +2I2 +20 = 0। इस माइनस को फिर आप ले लीजिए प्लस में और दो कॉमन ले लीजिए सबसे, तो 2I1 क्या ये विजिबल है आपको, विजिबल है ओके। 2I1 −I2 −10 = 0। हमने दो कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, ये हमारा बना इक्वेशन वन। ये इसमें भी लेंथी होता है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनते हैं, जितने लूप होंगे उतने इक्वेशंस होते हैं, इसीलिए इस टाइप के सर्किट क्वेश्चंस में अमन क्या क्या आता है ये लेंथी होते हैं। तो इस पे कोई भी पैटर्न को, इस वाले पैटर्न पे कोई सॉल्व क्वेश्चंस को नहीं करते, इस पे क्या किए जाते हैं मोस्टली जो सॉल्व किए जाते हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन वो नोडल पे ही किए जाते हैं, आसानी से बनता है वो ओके। अब देखिए दूसरा लूप का इक्वेशन बनाइए। चलिए स्टेप टू क्या कर रहा हूं मैं, स्टेप टू इन लूप सेकेंड में फिर आप केवीएल लगाएंगे। चलिए अब देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर ये तो प्लस माइनस है ही, और फिर ये अगर इधर जाएगा, अब की ये देखना है, अब इधर से करंट इसकी मेजोरिटी होगी, ये प्लस और ये माइनस, ये आपको ध्यान रहे ओके। यहाँ प्लस ही, पहले इधर से पहले जा रहा था इस लूप में तो इसकी मेजोरिटी थी, तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, लेकिन अब इधर से जा रहा है तो प्लस यहाँ इसकी डोमिनेंसी है। चलिए तो अब लूप कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे चलिए तो क्या लिख दूं इसको, माइनस निकलने वाले का 4 × I2, निकलने वाले का क्या दिखा रहा है 10 वोल्ट, ये वोल्टेज है या रेजिस्टेंस है तो करंट से गुणा किया, फिर निकलने वाले का क्या दिखा रहा है -2 × I2 − I1 = 0। टू लिया, अब I2 चूंकि मेजोरिटी में है तो प्लस यहाँ माइनस इस है ना, अब माइनस इसको कर दिया, ये ध्यान रहे। या सॉल्व कीजिए अब इसको, क्या है -4I2 − 10 − 2I2 + 2I1 = 0। I2 या फिर इसको आगे लीजिए 2I1 − 6I2 − 10 = 0। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, दो कॉमन लेके भी निगलेक्ट कीजिए, I1 − 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यानी 3 I2 यानी 2 सबसे कॉमन करके एलिमिनेट करता हूँ,
इज इक्वल टू कर देता हूँ, बराबर करके ज्यादा बेटर होगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को मैंने के 5 हो जाएगा, 5 माइनस में था उधर गया तो प्लस में, तो ये इक्वेशन क्या हो गया दूसरा। अब देखें दो अननोन और दो इक्वेशन आपके पास, ये दो इक्वेशन और दो अननोन आई वन आई टू है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, आप आई वन आई टू का वैल्यू आएगा, यानी इसको लिख देता हूं ऊपर कि आई का जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आई टू माइनस आई वन। ओके चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो देखिए इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई टू से कर दूं तो ये इक्वेशन कैंसिल आउट होने के चांसेस बनेंगे, तो देखिए इसको लिखता हूं मैं 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको कर देता हूं दो से गुना करके, अगर करता हूं तो 2i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन दूसरा था जिसको गुना किया हमने दो से है, क्लियर ना। तो अब देखिए रिजल्ट माइनस प्लस माइनस, ओके ये कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 5i2, ये 10 वोल्ट को थोड़ा इधर कर देता हूं, ये 10 वोल्ट था, 5i2 इज इक्वल टू 0, यानी i2 कितना आ रहा है 0 एम्पियर, और हमने इसका मतलब एग्जैक्ट यही सर्किट लिया था नोडल में, और हमको वहां भी करंट i2 का या क्या आया था 0। तो मेथड चाहे कुछ भी हो, कोई मेथड्स आप कुछ भी अपनाए, सर्किट अगर वही है तो उसके हर ब्रांच में करंट भी इंडिविजुअली उसी तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ i2 क्या आ गया 0 एम्पियर, और i1 का हमको वैल्यू आया था, चलिए i1 हम देखते थे कितना आएगा। अब i1 को किसी वैल्यू में इसमें पुट कर दीजिए, i1 निकालिए, तो i1 के लिए क्या हो जाएगा 5 और माइनस इधर गया तो प्लस 3 क्रॉस 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, i2 तो 0 निकला है, तो 0 यानी 5 सीधा ही आ रहा है, तो i1 हमारा क्या आ गया 5, यानी इस ब्रांच का करंट आ रहा है हमको कितना 5 एम्पियर, इस ब्रांच का करंट कितना आ रहा है 0 एम्पियर। तो कोई पूछ रहा है इस ब्रांच में कितना करंट है, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया, i इज इक्वल टू क्या आंसर होगा i2 माइनस इस ब्रांच का करंट i और i2 माइनस i1, i1 क्या है जी 5, तो बराबर माइनस 5 एम्पियर इस ब्रांच का करंट होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा ऐसा, ये माइनस 5 एम्पियर, इसका मतलब प्लस डायरेक्शन 5 इधर से आ रहा है, तो 5 इधर से जा रहा है, तो 5 इधर से लूप कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ गए, दो आंसर थे i2, ये i2 0, i1 5, लेकिन इस क्वेश्चन का जो पूछा गया क्वेश्चन था ये करंट क्या होगा, तो ये करंट हमको क्या निकल रहा माइनस ऑफ 5 एम्पियर, यानी एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे टैकल किया जो हमने नोडल एनालिसिस में सॉल्व किया। मेथड देखा हमने दोनों अलग अलग हैं, पर सॉल्यूशन से आंसर सेम है। तो इस तरीके से आप नोडल एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी लूप एनालिसिस या मेश एनालिसिस को, ज्यादा टफनेस नहीं होता, खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका पूछा जाता है कि क्वेश्चन अगर आपके कोई बीटेक या डिप्लोमा करता है तो उस जगह पे जो क्वेश्चन आस्किंग होते हैं तो स्पेशली आपको लूप मेथड से ही करना है, तो आपको इस प्रोसेस से करें, अदरवाइज एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं और अगर कभी इसी मेथड से बनाना पड़ जाए तो काफ़ी लेंदी है, तो वहाँ पे बुद्धिमानी ये होगी कि आप इसको स्किप करें, क्या क्योंकि ये टाइम लेगा, फिर आप इसको रिव्यू के लिए रखें, अगर आपके पास टाइम बचता है सफिशियंट तो इसको आप कंप्लीट करें। ओके गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो रहा मेरा लूप एनालिसिस के मेथड से। ओके गाइज, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी से टर्म रिलेटेड। तो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है किस मेथड से किसको क्या करना, मोस्टली आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं एक नंबर के, उसमें आपको लेंथी प्रोसेस से कभी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही शॉर्ट मेथड होते हैं, आप आराम से कर लेते हैं इन चीजों को। चलिए लूप एनालिसिस हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ, इस पे बेस्ड नोडल पे आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। ओके चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा, इसमें बेसिक्स में कुछ टर्म हमारे और मिस कर रहे हैं, जैसे कि वो टर्म है सोर्स कन्वर्जन, है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कई पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट भी इसमें हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन,
सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखिए अगर कोई सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसको करंट में तब्दील करना है आपने, ये रहा वोल्टेज सोर्स, ये पॉइंट मैं इसको ज़ूम करता हूं ए और ये पॉइंट बी, यहां इसका रेजिस्टेंस आर, यहां पे इसका वोल्टेज सोर्स है वी, और चाहे सर्किट आगे कितना भी हो इसको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्म मतलब वो वोल्टेज इसको करंट में तब्दील करना है, इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो यानी इस सर्किट में अब टर्मिनल नहीं चेंज होना है, देखिए टर्मिनल यहां ए अब भी है, टर्मिनल यहां बी अब भी है, लेकिन जब सोर्स ट्रांसफॉर्म करना है तो वोल्टेज से अगर करंट बदलना है तो क्या वही वैल्यू वोल्टेज का हम अगर 10 वोल्ट का 10 करंट में कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो करंट सोर्स अब यहां पे आईएस आएगा इसका मान क्या होगा, तो ये होता है यही का वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस का रेशियो, यही का वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस का रेशियो होता है यहां का करंट का मान, आईएस का मान क्या होगा उन वोल्टेज और करंट का रेशियो, और जो सीरीज में था सर्किट उस सीरीज सर्किट को अब क्या कर देना है इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देना है, और ये देखिए पॉइंट अब भी बी है और ये देखिए पॉइंट अब भी ए है और ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसी को बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जहां ये वोल्टेज के सोर्स में पैरेलल सीरीज में था यहां पे तब्दील हो गया पैरेलल में, और जो यहां पे वोल्टेज सोर्स था आपका इसके साथ सीरीज में उसी वोल्टेज को इसके रेजिस्टेंस से भागा दिया तो यही करंट सोर्स का आईएस बन जाता है, फिर यही वाइस वर्सा भी हो जाता है, यानी अगर करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कभी आपको दिखता हो, इस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आपको अगर कभी दिखता हो तो उस सर्किट को इस सर्किट में तब्दील किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वोल्टेज को करंट के टर्म में और करंट को वोल्टेज के टर्म में। चलिए अगर देखना है तो दूसरा भी देख लेते हैं, अगर आपके पास ऐसा सर्किट गिवन हो, देखिए यूज कहां इसका यूज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको यूज दिखेगा इसका कि यूज एक्चुअली किस तरीके से होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं बहुत जगह इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको ये नहीं पता होता कि टर्मिनल को एग्जैक्ट कौन सा टर्मिनल लेना है, तो वहां पे मिस्टेक करता है, हर जगह आप इसको नहीं चेंज करके हर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि अगर आईएस यहां का करंट सोर्स दिया हो और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिया हो और ये टर्मिनल है ए और बी, ये बी और ए है, अब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या होगा, तो देखिए करंट सोर्स है रेजिस्टेंस है तो दोनों करने से वोल्टेज बनेगा, तो यानी ये जो सोर्स इसको वोल्टेज में कन्वर्जन करना है Vs, तो ये Vs कहां से मान आएगा, यहां का करंट और यहां का रेजिस्टेंस को गुणा कर दीजिए, यहां का करंट सोर्स और उसका रेजिस्टेंस को गुणा करने पे जो मान होगा वही सोर्स का वोल्टेज होगा, ओके, और फिर ये रेजिस्टेंस तो यहां पे पैरेलल में है तो यहां पे उसको सीरीज में लगा दीजिए, तो सोर्स का ट्रांसफॉर्म हो गया, एक पोजीशन से उसका दूसरा पोजीशन चेंज होगा, जो करंट था वो वोल्टेज का बन जाता है, जो करंट सोर्स का था वो वोल्टेज के टर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो वही रेजिस्टेंस रह जाता है जो यहां का, देखिए पैरेलल रेजिस्टेंस रहता है वही इसके सीरीज में अब भी रहता है, क्लियर ना, तो इसको बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सोर्स के ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होते हैं, ओके ना, तो ये तो इसके रिगार्डिंग है। अब कुछ कंडीशन हम ऐसे देखेंगे कि किस कंडीशन में वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में रखना जरूरी है, कब हम पैरेलल में नहीं रख सकते, कब करंट सोर्स को सीरीज में रख सकते हैं, कब करंट सोर्स को सीरीज में नहीं रख सकते, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लड़के स्किप करते हैं इस चीजों को, तो ये भी टर्म्स को हम देख लेते हैं एक बार। चलिए हमारा नया टर्म है कि टू वोल्टेज सोर्स कैन बी पॉसिबल इन पैरेलल, और वो भी क्या कंडीशन होगा, या टू करंट सोर्स कैन बी एडेड इन सीरीज, पर उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो चलिए हम दोनों कंडीशन को आपको दिखाते हैं और इसके लिए टर्मों को आप देखिए। जैसे क्या मैं बोल रहा हूं इस चीज को देखिए कि दो वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, एक ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का,
एक ये वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, कोई पूछ रहा है क्या ये सर्किट पॉसिबल पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, या इस ब्रांच का क्या करंट होगा। क्लियर ना? तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए क्या होता है। फिर दूसरा कोई क्वेश्चन और पूछ रहा है, दूसरा टर्म ले लेता हूं मैं, ये वोल्टेज सोर्स है, ये है 20 वोल्ट, नेक्स्ट है एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक और रेजिस्टेंस लिया 20 वोल्ट का, यहां पे 20 वोल्ट सोर्स लिया, एक रेजिस्टेंस है, इसकी पोलैरिटी चलिए चेंज कर देते हैं इस बार ये, और यहां 5 ओम है, पूछ रहा है कितना करंट होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप ले लेता हूं, एक और वोल्टेज सोर्स है, एक और प्रतिरोध है, यहां तो पैरेलल नहीं तो रिप्रेजेंट नहीं होगा, और यहां भी 20 वोल्ट है, यहां भी 20 वोल्ट है, यहां 2 ओम है, तो क्या ये सर्किट सब पॉसिबल है। तो देखिए कई बार आपके कोई करंट को बोलेगा निकालने के लिए, आप क्या करते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, 10 पैरेलल में 5 कर देते हैं, 2 एम्पियर निकाल देते हैं। तो नहीं, सर्किट चूंकि ये शॉर्टेड है और ये भी शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड वायर है तो पैरेलल में दो डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कभी संभव नहीं हो सकता, ये ध्यान रहे, पैरेलल में कभी दो डिफरेंट वोल्टेज सोर्स संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसमें केवीएल लगाएंगे, इस लूप में लगाना चाहते हैं ना, तो इसमें ना इसमें, टोटल में लगाना चाहते हैं तो लूप लगाइए आप ही, क्या देगा रिजल्ट देखिए। अगर इसको लेते हैं निकलते टाइम, तो निकलते टाइम 10 वोल्ट है और ये निकलते टाइम कितना दिख रहा है, 5 वोल्ट, अल्जेब्रिक सम 0 हो जाना चाहिए, तो क्या ये +5 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो यानी ये केवीएल लॉ को फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता, तो दिस सर्किट इज नॉट वैलिड, कभी भी पैरेलल में दो डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कभी भी संभव पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए इस टाइप के सर्किट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आइए इस सर्किट में देखिए, फिर कोई बोल रहा है इसमें करंट क्या होगा, तो पहले देखिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये भी ध्यान है, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एकदम नेगलिजिबल, प्रैक्टिकली बोले तार का मान बहुत क्लोज टू 0, आइडियली आर का मान बोले तो 0, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एकदम 0, ये भी चीजों को ध्यान रखना है। तो यानी क्यों लोड से होकर जाएगा, कोई भी सोर्स है तो इस होकर सर्कुलेट करने शुरू कर देता है। तो चलिए हम पहले कुछ चीजों को आप डिस्कस कर लेते हैं, यहां भी देखिए कोई करंट के लिए पूछेगा, नहीं ध्यान दें आपको, देखिए जैसे पैरेलल में डिफरेंट वोल्टेज सोर्स तो आप दिखा कि चलो 20 20 वोल्ट है, लेकिन क्या पोलैरिटी इस तरीके से हो तो वो संभव है, चलिए आप चेक कर लीजिए इस लूप में केवीएल लगा के देखिए, चलिए निकलते टाइम वोल्टेज कितना है +20 वोल्ट, और यहाँ भी निकलते टाइम वोल्टेज कितना है +20 वोल्ट, सबका अल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए 0, क्या 40 वोल्ट 0 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये भी केवीएल को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो केवीएल को अवॉइड करना कभी पॉसिबल है क्या, वो सर्किट ही संभव नहीं है, यानी इस तरह का सर्किट इस टाइप का कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो देख रहे हैं पैरेलल में डिफरेंट वोल्टेज सोर्स भी आप कभी नहीं कनेक्ट कर सकते, पैरेलल की बात कर रहा हूं, पैरेलल में अपोजिट पोलैरिटी, सेम वोल्टेज होने के साथ अपोजिट पोलैरिटी की भी कंडीशन में को आप सॉल्व नहीं कर सकते, कभी सर्किट नहीं बना सकते, लेकिन इस टाइप का अगर सर्किट बना तो क्या करंट होगा, देखिए पहले देखते हैं क्या सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये सर्किट का लूप अगर मैं बनाता हूं, तो चलिए इसको देखते हैं करके, सॉरी इसको करके देखता हूं एक बार, चलिए निकलते टाइम वोल्टेज पॉजिटिव है 20 वोल्ट, चलिए फिर यहां से निकलते टाइम माइनस में डायरेक्शन है 20 वोल्ट, काल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, तो ये तो सही में 0 = 0 है, इसका मतलब केवीएल को तो ये फॉलो कर रहा है, अगर ये केवीएल को फॉलो कर रहा है इसका मतलब सर्किट ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए इधर से लीजिए तो किसी भी डायरेक्शन से आप इसके करंट को बता सकते हैं, पैरेलल में वोल्टेज कितना है इसके 20, यहां से भी देखेंगे पैरेलल में वोल्टेज कितना है 20, तो इस ब्रांच का करंट कितना निकल जाएगा जी 20/2 यानी 10 एम्पियर, कितना आया 10 एम्पियर। बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगेगा कि एक सोर्स होता, अगर इस सर्किट में एक सोर्स होता तब भी तो 10 देता, दो सोर्स होता तब भी 10, क्या मतलब है, तो यहाँ चीजों को समझना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है ये, यहाँ पे दो सोर्स लगाने की इस लोड का लाइफ बढ़ा रहे हैं हम, लाइफ कहने का मतलब जो ये 10 घंटा चल सकता था एक बैटरी से, या 20 घंटा ये लोड चलेगा इससे, क्लियर ना,
क्योंकि एनर्जी कैपेसिटी बढ़ रहा, वोल्टेज तो समान है पर एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ रहा, इसीलिए बैटरी को पैरेलल हम यूज कर रहे हैं ताकि इसकी एनर्जी की कैपेसिटी, जैसे सिंक्रोनाइजेशन आप मशीन में पढ़ेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, एक इंडस्ट्री अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है उसके एक यूनिट नहीं बनते, कई छोटे छोटे यूनिट बना के उसके पैरेलल में वोल्टेज को सिंक्रोनाइज किए जा सकते हैं, उसके कई बेनिफिट्स होते हैं, वही काम यहाँ पे है। इसके लाइफ को बढ़ा दिया जा रहा है, यानी जो ये अगर कोई बल्ब होगा 2 ओम का जो 4 घंटा अगर चलता तो 2 बैटरी लगाने से 8 घंटा चलेगा, यानी उस पर डिपेंड करता है कि इस किसकी कैपेसिटी, एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी किसकी क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सर्किट यहाँ पे पॉसिबल था। तो हमारे लिए नोट इंपॉर्टेंट नोट क्या निकल के आया, हमारे लिए ओवरऑल सर्किट से इंपॉर्टेंट निकल के क्या नोट आया, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट्स को, कि 2 वोल्टेज सोर्स कैन बी एडेड इन पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, यानी 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में तभी ऐड किए जा सकते हैं, पैरेलल में तभी ऐड किए जा सकते हैं जब और ओनली जब, कब, दोनों वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए समान हो एंड उसकी डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी की डायरेक्शन भी समान है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, यहां देखिए मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होने के कारण क्या हो गया, चीजें नहीं एग्जिस्ट कर पाया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 2 वोल्टेज सोर्स हम क्या कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए नोट करके, 2 वोल्टेज सोर्स कैन बी एडेड इन पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी शुड बी सेम, अदरवाइज सर्किट विल नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आप इस चीज को एग्जिस्ट करें, चूंकि इतना टाइम बैकअप नहीं होता अपने पास, तो इस चीज के लिए मुझे स्टेटमेंट ही लिखा रहा हूं मैं आपको, आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लीजिए ताकि मैं करंट सोर्स के रिगार्डिंग आपको बता सकूं कि 2 करंट सोर्स अगर एडेड पैरेलल में करूं तो क्या होगा उसका रिजल्ट। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान रहे कि 2 वोल्टेज सोर्स पैरेलल में तभी संभव है जब उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी शुड बी सेम। चलिए करंट सोर्स के रिगार्डिंग देखते हैं, अब बाकी वही सब चीज है, बेसिक इतने इंटरेस्टिंग बेसिक चीज है जिसको आपको करते हैं तो आपके आगे के थ्योरम्स एसी एनालिसिस बहुत आसान होगा, बेसिक्स को पकड़ के रखना हमेशा। अब तक कोई दिक्कत तो कमेंट आप कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, जरूर आपको रिस्पांस मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म की ओर से। ओके चलिए नेक्स्ट हम करंट सोर्स की रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे, कि कोई करंट सोर्स 3 एम्पियर का है, दूसरा करंट सोर्स कोई 2 एम्पियर का है और कोई आपसे पूछ रहा है बताइए इस सर्किट में रेजिस्टेंस वेक्टर इस यहाँ पे करंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिया, दूसरा लिया एक और 5 एम्पियर और एक और ले लिया हमने 5 एम्पियर और आपसे बोला इस लोड में बताइए कितना करंट फ्लो कर रहा, एक और सर्किट ले रहा हूं मैं, ये ले लीजिए, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का और यहाँ पे करंट फ्लो करा रहा हूं मैं 3 एम्पियर और यहाँ भी करंट फ्लो करा रहा हूं मैं 3 एम्पियर और ये सर्किट लूप कंप्लीट कर रहा है। आपसे कोई पूछ रहा है बताइए सर्किट में करंट कितना है, तो चलिए हर पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से, ये थर्ड है, ये सेकेंड है हमारे लिए, ये फर्स्ट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में, 2 इधर से, जैसे आप सर्किट दोगे बच्चा अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है नहीं पता है तुरंत कहेगा 2 इधर से गया एक इधर से घट के 1 बच गया, नहीं, ऐसे सर्किट को आपको 2 करंट सोर्स कभी भी सीरीज में ऐड करने के कुछ ही कंडीशन है, अदरवाइज करंट सोर्स सीरीज में और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में उसके लिए कंडीशन है, नहीं तो आप हमेशा ऐड किसी भी परिस्थिति पे नहीं कर सकते। वोल्टेज सोर्स सीरीज में चाहे आप कितना भी कर सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल के लिए कंडीशन है, उसी तरीके से सीरीज में करंट सोर्स पैरेलल में आप चाहे किसी भी मैग्नीट्यूड का कीजिए किसी पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी सीरीज में ऐड करेंगे कंडीशंस बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर केसीएल लगाना आप चाहेंगे इस सर्किट में केसीएल, तो क्या है जाने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर यहाँ से और यहाँ से भी जाने वाला करंट कितना है 3 एम्पियर, तो कहीं से जब करंट आ ही नहीं रहा तो सब जाने वाला कैसे संभव है, तो जाने वाला करंट 5 एम्पियर है और आने वाला कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे केसीएल लगाइए नोड पे, जाने वाले को अगर मानता हूं मैं +3 एम्पियर प्लस दूसरा जाने वाले का 2 एम्पियर, सबका अल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0, तो क्या 5 0 के बराबर है, नहीं है, यानी केसीएल को फॉलो नहीं किया, ये सर्किट केसीएल को फॉलो ही नहीं कर रहा तो ये सर्किट कभी एग्जिस्ट कर नहीं कर सकता, क्लियर ना, ये ध्यान रहे आपको। दूसरे सर्किट पे आते हैं, दूसरे सर्किट में देखता हूं
अब यहां से सर्किट में देखता है, देख रहा हूं कि यहां से ये 5 एम्पियर फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहां इस नोड पे लेके यहां भी 5 एम्पियर, तो दोनों तो जा ही रहा है, कहीं से 10 तो आ नहीं रहा कि दोनों जा रहा है। तो जब ऐसा सर्किट है जो कहीं नहीं जा आ ही नहीं रहा, दोनों जा रहा है, तो यानी दोनों का इस नोड से जाने वाले करंट को अगर 5 मानूं, फिर इधर से भी जाने वाले को 5 मानूं, सबका जैविक सम कितना हो जाए 0, तो क्या 10 0 के बराबर है? नहीं है। ये भी केसीएल को क्या कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो इस टाइप के सर्किट संभव नहीं है। थर्ड वन सर्किट पे चलते हैं। यहां देखिए करंट पूछा है, ठीक है, हम करंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है जी यहां पे 4 ओम, क्लियर, ठीक है। यहां पे देखिए इस नोड पे लगा ये आने वाला करंट कितना है 3 एंपियर, और यहां से जाने वाला करंट कितना शो कर रहा है, यहां देखिए 3 एंपियर, यानी जितना आने वाला उतना ही जाने वाला, यानी आप इस पॉइंट पे भी केसीएल तो फॉलो कर ही रहा, और केसीएल फॉलो कर रहा इसका मतलब सर्किट तो एग्जिस्ट करेगा। तो यानी अब कई बार होता है कि आप बताओ कि ये करंट जा रहा है तो कितना, 3-3 मिलके 6 हो जाएगा क्या? नहीं, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, लोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट सोर्स को लोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना डिलीवर कर रहा है उतना ही कंप्लीट करेगा ये, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर। ओके गाइस, तो ये एक पैटर्न बना आपके लिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड टर्म्स को भी आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए अब इसका पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि दो डिफरेंट करंट सोर्स सीरीज में ऐड नहीं कर सकते, दो समान मैग्नीट्यूड के करंट सोर्स भी सीरीज में ऐड नहीं कर सकते अगर उसकी पोलैरिटी सेम नहीं है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम नहीं है, यानी ये भी सर्किट संभव नहीं हो पाया, ये भी नहीं संभव। कब संभव हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम। तो नोट डाउन आप कर लीजिए, टू करंट सोर्स कैन बी एडेड इन सीरीज इफ एंड ओनली इफ, फिर से बोल रहा हूं सुनिए, टू करंट सोर्स कैन बी एडेड इन सीरीज इफ एंड ओनली इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सेम, अदरवाइज सर्किट नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये नॉट है, आप इस चीज को बहुत ध्यान में रखें, कभी भी ये आपको इंटरव्यू के टाइम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर ये ऐसी चीज है जो कंफ्यूजिंग है, कोई आपसे, आपका ही मित्र है, आपका ही दोस्त है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है इस टाइप का क्वेश्चन करके, ठीक है ना। तो ये चीजें ओवरऑल है आपको केसीएल की रिगार्डिंग। अगर आपको चीजें अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।